देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर। यूपी के कानपुर में 5 दिन पूर्व थाना कर्नल गंज के अंतर्गत रसोई गैस के व्यापारी श्याम शुक्ला की आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर बैग लूट कर भागने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि व्यापारी के काले बैग में पैसे व जरूरी कागजात रखे हुए थे। उसको छीन कर दो बदमाश बिना नंबर की अपाचे बाइक से भाग गए थे। पुलिस टीम ने इस घटना का आज खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों को पकड़ लिया। इसमें टिल्टू मुख्य मास्टरमाइंड है, सेरू जो उसका सहयोगी है, उसने पहली बार ही अपराध किया है। टिल्टू के ऊपर पूर्व में 10 मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने काला बैग बरामद कर लिया है। उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड और 95,000 बरामद किए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई करते हुए दोनों को जेल भेजा जा रहा है। टिल्टू उर्फ शमशाद, उसके ऊपर कई गंभीर धाराओं में 10 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें टिल्टू शमशाद को मास्टरमाइंड माना जा रहा है। थाना कर्नलगंज में 5 दिन पूर्व रसोई गैस के व्यापारी श्याम शुक्ला से उनकी आंखों में मिर्ची पाउडर झोंक कर बैग जिसमें पैसे भरे हुए थे उसको छीनकर दो अज्ञात बदमाश अपाचे बाइक से भाग गए थे। पुलिस टीम ने इस घटना का आज खुलासा करते हुए दोनों को पकड़ लिया है। इसमें टिल्लू मास्टरमाइंड है और शेरू उसका जो सहयोगी है, वो उसने पहली बार ये अपराध किया है। टिल्लू के ऊपर पूर्व के भी 10 मुकदमे दर्ज हैं। इनके पास से वो बैग बरामद कर लिया गया है, उसमें व्यापारी के आधार कार्ड, कागजात और 95,000 रुपये बरामद कर लिए गए हैं। वैधानिक कार्रवाई करते हुए इनको जेल भेजा जा रहा है। किसी गैंग से रिलेटेड है जो टिल्लू उर्फ शमशाद है, पूर्व में इसके ऊपर 10 मुकदमे हैं और ये NDPS में, चोरी में, गुंडा में, तमाम धाराओं में इस पर कार्रवाई पूर्व में भी हुई है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार।